सुबह जल्दी जल्दी में ना तो अखबार पढ़ा ना टीवी पे न्यूज ही देख पाया। बनारस के एक स्टूडेंट के ब्लॉग ने बनारस में हंगामा मचा कर रख दिया है। उनके ब्लॉग अनसेफ वुमेन ऑफ द कंट्री ने स्टूडेंट्स को सोचने पर ही मजबूर कर दिया है कि क्या इस गुंजन नाम की लड़की के कमेंट्स कुछ बदलाव ला पाएंगे। ये हादसा तब हुआ जब गुंजन नाम की लड़की मुंबई से बनारस जा रही थी। गुंजन, बेटा मयंक का गुस्सा होना जायज है। इतनी दूर बैठे टीवी न्यूज पर तुम्हें देखकर उसे चिंता होना स्वाभाविक है। देखो उसकी बातों को दिल पर मत लो, जाओ जाकर उसे समझाओ, वो समझ जाए। हेलो हेलो मम्मी। रचना, गुंजन के साथ ये सब कुछ कैसे हो गया? वो कैसी है मम्मी? रचना बेटा, बेटा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। मम्मी वो ठीक तो है ना? उससे बात कर रही है ना प्लीज? हाँ हाँ गुंजन बिल्कुल ठीक है, लो बात करो उससे। हेलो हेलो गुंजन, तुम्हारे साथ ये सब कुछ कैसे हो गया? तुम ठीक तो हो ना? रो मत रचना, भगवान का शुक्र है कि कोई गड़बड़ नहीं हुई। देखो ना मैं ठीक ठाक घर पहुंच गई हूँ, बस बात खत्म हो गई। हमें तुम्हारे लिए इतना बुरा लग रहा है गुंजन, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ होने के बाद तुम अकेली हो। हमें तुम्हारे साथ होना चाहिए था ना? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था पगली, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। तुम मेरी सबसे ज्यादा मदद वहां जीत कर ही करोगे। हाँ गुंजन, गुंजन हमारी मम्मी को फोन दो ना। अच्छा तुम अपना काम अच्छे से करना, मयंक भी वापस आ गया, वो मुझसे हम सबसे बहुत नाराज है, मुझे जाकर उसे मनाना होगा। चलो बाय बाय, अपना ख्याल रखना। शैल शैल ये सब क्या है टीवी पर? अरे गुंजन मुंबई, अगर उसे कुछ हो जाता शैल तो क्या हो रहा है ये सब? हाँ जी वो देखो, समझाओ गुंजन ये क्या बचपना है, अगर कल को कुछ हो जाता तो हम आकाश भाई साहब को क्या जवाब देते? आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी, लेकिन भगवान की कृपा से गुंजन को कुछ नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि वो ठीक है, और आप हम सबकी चिंता मत कीजिए, हम सब है ना गोपाल प्रभु सब संभाल लेंगे। आप बस अपना और रचना का ख्याल रखिएगा, और जिस काम के लिए आप दोनों गए हैं ना बस वो सफल हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और हाँ अपनी तबीयत का भी ख्याल रखिएगा, दवाई वक्त पर लीजिएगा। ठीक है हम रखते हैं, और वहां ध्यान रखते जी। ओह गुंजन मेरी तो जान ही निकल गई थी जब टीवी पे तुम्हें ऐसे देखा। यू नो गुंजन मेरे मन में कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। मैंने तुम्हें बोला था कि मुझे भी एयरपोर्ट साथ जाने दो, लेकिन तुमने जाने नहीं थी, और बोला था कि एयरपोर्ट पहुंच के फोन करना, फोन भी नहीं किया। कोई गैर तुम्हें हाथ लगाए मैं उसे जान से मार डालूंगा। रिलैक्स मयंक, मैं लकी थी कि मेरे साथ कुछ हुआ नहीं।
बच गई मैं, लेकिन मैंने वो फोटोग्राफ्स अपने ब्लॉग पर इसलिए अपलोड की क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी है ये उन लड़कियों के लिए जो मुंबई में काम से या किसी भी वजह से अकेले घूमती है। लेकिन देखो ना, कोई मुझे समझ ही नहीं रहा है। प्रिंसिपल ने भी कॉलेज में मुझे वार्निंग दे दी है। डोंट वरी कुंज, तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते मयंक कि कितना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। सिर्फ बनारस से ही नहीं, लोग कहां कहां से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया, ओवरसीज, हर जगह से लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ब्लॉग स्पॉट पर कमेंट्स ही कमेंट्स है। एंड टू थिंक ऑफ इट, मैंने तो सिर्फ अपने मन की बात लिखी थी जिससे मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। लेकिन ओ माय गॉड मयंक, द रिस्पॉन्स इज सो ह्यूज। दैट्स वेरी गुड। और वो जो भी लोग थे ना जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, उन्हें हम सजा दिलवा कर देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हरगिज नहीं। कोई कहीं नहीं जाएगा। गुंजन, तुम्हारा मन नहीं भरा है या अभी भी मुसीबतें झेलना बाकी है? खबरदार, खबरदार जो तुम दोनों में से किसी ने भी कोई ऐसा कदम उठाया तो। माना कि हम गुंजन का सदमा समझते हैं, लेकिन जो भी हो माँ, वो डर, वो बेबसी हमने तो नहीं झेली ना। आप औरत हैं, आप ज्यादा समझती होंगी, लेकिन माँ गुंजन के साथ वहां जो कुछ भी हुआ ना, उससे ज्यादा वो और कोई नहीं समझ सकता। माँ जब शुरू में मैंने सुना तो मुझे भी ऐसे लगा कि ये सब करने की क्या जरूरत है, ये सब क्यों कर रहे हैं। लेकिन मयंक, हम भी वही कह रहे हैं कि ये सब करने की क्या जरूरत है। गुंजन सही सलामत घर में वापस आ गई है ना, तो चुप बैठो। लेकिन नहीं, सारी दुनिया में ढिंढोरा पीटो, लेक्चर दो, सबको सबक सिखाओ। रिलैक्स माँ, आप मुझे एक बात बताइए कि हम लोग कब तक चुप बैठेंगे, मैं कब तक सहते रहेंगे। माँ पढ़े लिखे होने का यही फायदा है कि सही और गलत की पहचान कर सके, एक एक नई सोच, एक अच्छे समाज का निर्माण। नहीं मयंक बेटा, तुम भी गुंजन की भाषा बोल रहे हो। माँ बात ही इतनी शर्मनाक है, अगर अब भी कुछ नहीं किया, गुंजन का साथ नहीं दिया, तो मैं ही अपनी नजरों में गुनहगार साबित हो जाऊंगा। माँ आप टीवी पे न्यूज देखती है, अखबार पढ़ती है, जानती है कि आज भी औरतों पर लाखों जुर्म होता है, लेकिन तब भी कुछ नहीं किया जाता, सबकी आवाज को दबा दिया जाता है, अनदेखा अनसुना कर दिया जाता है। माँ क्या आप नहीं चाहती कि गुंजन के साथ जिन लोगों ने बदतमीजी की उन्हें सजा मिले? इसीलिए माँ मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं गुंजन का साथ दूंगा। और आंटी जी, मैं भी इस लड़ाई को एंड तक ले जाना चाहती हूँ। ठीक है, जो तुम्हारे जी में आए ना करो। हमारी बात पहले भी तुम लोगों को दो कौड़ी की लगती थी, आज भी दो कौड़ी की लगती है। आंटी जी आप बस। गुंजन, कहना सुनना सब हो चुका है, हमने कह लिया और तुमने सुन लिया, लेकिन तुम करोगी वही जो तुम्हारा मन चाहेगा। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, ये तुम्हारा साथ दे रहा है, लेकिन हम इस मोर्चे में तुम्हारा साथ हरगिज नहीं देंगे। आंटी जी, कोई बात वो भी नहीं समझेंगे, लेकिन बाद में सबको समझ आ जाएगा। अगर तुम्हें मौसा जी से बात करने डर लग जाए ना, तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ। बट आई रियली थिंक कि तुम्हें इस कॉम्पिटिशन में जरूर पार्ट लेना चाहिए। पापा,
वो बात ये थी कि जब गुंजन को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, हम उसके साथ होने के बजाय यहां इस कंपटीशन में फंसे हैं। पापा, इस वक्त हमें उसके साथ होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए। पापा, पापा, हम लोग बनारस वापस चलते हैं। पर बेटा, इस वक्त इतनी दूर आने के बाद? नहीं पापा, और वैसे भी हमारी जैसे लड़की की यहां कोई कदर नहीं है। हम आ रहे हैं गुंजन, लानत है हम अगर इस वक्त हम तुम्हारे साथ ना हो सके तो। हमारे गुंजन सही सलामत घर में वापस आ गई है ना, तो चुप बैठो, तो चुप बैठो। लेकिन नहीं, लेकिन नहीं, सारी दुनिया में ढिंढोरा, दुनिया में ढिंढोरा। लेक्चर दो, लेक्चर, सबक सिखाओ, सबक सिखाओ, सबक सिखाओ। किसे तुम नारी शक्ति की आवाज, की आवाज, आजादी की पुकार कर, पुकार कर, वो खतरे को मोल लेना, को मोल लेना। चोट लगी, चोट लगी, अपने खाओ से, अपने खाओ से, लाठी डंडे तलवार लेकर, तलवार लेकर, चीखो चिल्लाओ नहीं, चीखो चिल्लाओ नहीं। क्या हुआ मुझे? क्रांति रुक गई। बस इतनी सी आदत थी तुम्हें कि एक हवा का झोंका आया और तुम बुझ गई? मुझे नहीं है मैं, बस ऐसी बातें सुनने के बाद थोड़ी सी आग कम हो गई है। मैंने सही या गलत नहीं सोचा, बस अपने मन की आवाज सुनी और वो ही अपने ब्लॉग में लिख दिया। जरा सोचो, वो लड़के मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे, मैं ही क्यों किसी भी लड़की के साथ? और क्यों? इसलिए क्योंकि वो लड़के हैं, जो मन में आए करेंगे। I mean, what is this bank? हम कैसी सोसाइटी में जी रहे हैं? और तुम्हें पता है सबसे बुरी बात क्या है? कॉलेज में, घर में, सब मुझे ही गलत कह रहे हैं। प्रिंसिपल सर से लेकर आंटी जी तक, यहां तक कि मेरी कुछ फ्रेंड्स भी, पता है पूरा दिन मुझसे बात नहीं की उन लोगों ने, जैसे कि गलती मेरी हो। हम लड़कियां क्या जानबूझकर ये सब कुछ इनवाइट करती हैं? नहीं कुछ, तुम या कोई और लड़कियां ऐसे इनवाइट नहीं करती। It's just that you are the unlucky ones. लेकिन एक बात याद रखना कुंजा, कि जमाने की धार के साथ चलना बहुत आसान है, लेकिन उससे अलग होके हट के चलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक बार अगर तुमने मिसाल कायम कर दी तो यही लोग आज जो तुम्हारे खिलाफ है ना, तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हें पूछेंगे, एंड दे विल थैंक यू फॉर व्हाट यू डूइंग। अरे माफ कीजिएगा, जरा बताएंगे यहां क्या हो रहा है? रिजल्ट जल्दी आ गए। रिजल्ट? दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड फैशन के इस कॉम्पिटिशन में आप सबका स्वागत है। वैसे तो करीब 200 पार्टिसिपेंट्स हमारे पास आए थे, वैसे उन सबको सेलेक्ट यहां पे होना चाहिए था, क्योंकि उन सबके डिजाइन बहुत ही लाजवाब थे। लेकिन हमारे जूरी मेंबर की मापदंड भी कुछ अलग है, तो उन सब के हिसाब से हमारे पास सिर्फ 5 फाइनलिस्ट बचते हैं जो हमारे नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आज कौन से वो 5 लकी पार्टिसिपेंट्स हैं।
एक्सक्यूज मी, यहाँ के मैनेजर कहाँ हैं? यस सो हम विड्रॉ करना चाहते हैं। बिना रिजल्ट जाने क्यों विड्रॉ करना चाहती हो? रिजल्ट्स पर सभी अनाउंस होने ही वाले हैं। ठीक है, फॉर्म देना। तुम इस फॉर्म पे सिग्नेचर कर दो, ये कंफर्म करने के लिए कि तुम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती। सोच लो, तुम अभी भी अपना मन बदल सकती हो अगर चाहो तो। पापा चलिए, मैं भी ये फॉर्म सबमिट नहीं करूंगा, तुम एक बार फिर सोच लो। चलिए पापा। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड फैशन के फैशन शो के पहले फाइनलिस्ट हैं चोपड़ा। हमारे आज के दूसरे फाइनलिस्ट हैं मिस्टर रोहित सिंह। हमारे आज के तीसरे फाइनलिस्ट और उनका नाम है मिस राधिका सेवालिया। आज की शाम के चौथे फाइनलिस्ट हैं मिस शिप्रा ढिल्लो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे आज के शाम की पांचवी फाइनलिस्ट हैं एनी गेसेस और वो लकी डिजाइनर है मिस रचना गर्ग। Rachna Garg, can we have her on the stage, please? Rachna Garg. Rachna. कहाँ जा रही हो बेटा? वापस बनारस। गुंजन के पास पापा। तुम्हारी काबिलियत ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया है बेटा। और अब जब शोहरत और शाबाशी पाने का मौका आ रहा है, तो हम ये सब छोड़ के कैसे जा सकते हैं बेटा? देखो, हम जानते हैं कि गुंजन को एक परिवार की जरूरत है, लेकिन आज तक तुम जिस मौके की तलाश में थी, तुम्हें जिस मौके का इंतजार था बेटा, वो आज तुम्हारे सामने खड़ा हाथ फैलाए तुम्हें पुकार रहा है। सोच क्या रही हो बेटा? इसी घड़ी का तो तुम्हें इंतजार था ना? इसे हाथ से जाने मत दो बेटा। जाओ जाओ और इसे हासिल कर लो। जाओ बेटा, जाओ। मिस रचना गर्ग, आप जहां कहीं भी हैं प्लीज स्टेज पर आ जाइए। जाओ बेटा।